हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज 23 तारीख हम दर्शन करके आ चुके हैं राम मंदिर के, राम लल्ला जी के। तो उसके बाद हम आए लखनऊ। ये भाई मेरे साथ हैं, इनकी ट्रेन है, लखनऊ आ गए हैं हम। देखो तो यहाँ पे एक फेमस कैफे है, रॉयल कैफे, उसपे वो बास्केट चाट बनाते हैं। तो देखते हैं खा के कैसा है उनका चाट। सुबह सुबह राम लल्ला जी के दर्शन करके आ चुके हैं अयोध्या से लखनऊ, और हम लखनऊ आ चुके हैं। ये है फेमस कैफे, रॉयल कैफे। यहाँ पे बास्केट चाट मिलता है, ये बहुत फेमस। मैंने भी काफ़ी वीडियो देखी थी, सोचा था कभी लखनऊ जाऊँगा तो प्लान करूँगा यहाँ जाके बास्केट चाट ट्राई करने का। तो दिखाते हैं कैसे बनाते हैं और कैसा है इनका बास्केट चाट। गाइस, रॉयल कैफे पे काफ़ी फेमस बॉलीवुड स्टार्स भी आ रखे हैं। ये अनन्या पांडे, कंगना रनौत, जैकलीन, ये अभी रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं, मुझे नाम याद, सतीश या कुछ ऐसा ही नाम है इनका। काफ़ी फेमस एक्टर्स भी आ रखे हैं। देखो तो ये है वो कैफे और ये है बास्केट। वो अंकल जो फेमस अंकल हैं वो तो है नहीं, वो मुंबई गए हुए हैं, तो ये भैया बना के दिखाएंगे हमें बास्केट चाट। आलू की टोकरी है, आलू की टोकरी, स्टफ आलू टिक्की है, ये देखिए स्टफ आलू टिक्की जी, ये बात है, बहुत डिलीशियस लगता है भैया आपका वीडियोस में। सबसे पहले क्या डाल रहे हैं? ये आलू की टिक्की है, अब इसमें हम दही वल्ला डाल देंगे। ये भैया ने दही वल्ला डाल दिया, एक पीस, एक पीस ठीक है। और ये दही वल्ला इसमें भी पड़ गया है। ये स्टफ पापड़ी है, स्टफ पापड़ी है ये, स्टफ पापड़ी। इसके ऊपर मटर लगाया है, मटर के ऊपर आलू लगाया है। बहुत डिलीशियस लग रहा है गाइस दिखने में ही, देखो आप, बहुत सॉफ्ट मसाला है ये, चाट मसाला जी। ये कुटी हुई धनिया है, कुटी हुई धनिया, ये कुटा हुआ मिर्च, ये कुटा हुआ मिर्च। हमने इसमें अब डाल दिया लपेटू छोले, लपेटू छोले जो कि हैं यहाँ के फेमस। हमने दो प्लेट लगवाई है पहले, हम चार लोग हैं, लपेटू छोले के बाद अभी हम सूखी पापड़ी इसके क्रश कर देंगे। सूखी पापड़ी भी डाल रहे हैं, पहले डाली थी हमने स्टफ पापड़ी, अब सूखी पापड़ी। और ये पुदीने की चटनी, पुदीने की चटनी, ये मीठी सौंठ, बहुत बढ़िया। और ये दही, ये दही बास्केट को नहला दिया जाएगा। देख रहे हो गाइस कितनी दही डाल दी। ये मुरमुरा है, ये मुरमुरा, ये हींग के सेव, हींग की सेव, और ये धनिया, ये धनिया, और ये कुछ अनार के पीसेस, और ये हाजमोला, ये हाजमोला आपकी फेमस है ना, ये वर्ल्ड फेमस। हाँ, ये अंकल काफी बताते हैं, वर्ल्ड फेमस हाजमोला है गाइस। इनकी दिखने बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रही है, देखो। खाने से पहले भूख बढ़ाता है, बाद में बास्केट को हजम करता है। एक बार और बोलो, तेज बोलो थोड़ा। खाने से पहले बास्केट को भूख बढ़ाता है, बाद में बास्केट को हजम करता है। और क्या बात है, खाने से पहले बास्केट जो है भूख बढ़ाता है, और खाने के बाद उसको बास्केट हजम, ये हाजमोला उसी के लिए गई है। चलो थैंक यू भैया, बहुत डिलीशियस लगते हैं, ट्राई करके आपको सबको बताते हैं। तो गाइज मैंने ट्राई किया, ये काफ़ी अच्छी है बास्केट चाट, और इन्होंने भी ट्राई किया, कैसा लगा? बहुत जोरदार, तो यूनिक, यूनिक है, कुछ अलग है इस क्वालिटी में, हमने ऐसी क्वालिटी कभी नहीं टेस्ट किया हुआ है। अहमदाबाद में मिलता है ऐसा कुछ? नहीं ऐसा है कुछ नहीं, मतलब हाँ मिलता होगा ऐसा कुछ, बट ये ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। सेलिब्रिटीज आ रहे हैं सब, यहाँ पे काफ़ी फेमस सेलिब्रिटीज भी आते हैं खाने के लिए, और बहुत बढ़िया डिलीशियस लग रहा है, और क्वान्टिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस का भी हमें कोई आइडिया नहीं। मैं आप सबको लोकेशन अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मस्ट विजिट और मस्ट ट्राई है सब, जो भी लखनऊ कभी भी आना हो तो रॉयल कैफे ज़रूर आना, ये ट्राई करनी है। ओके गाइस बाय बाय। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं ट्राई करने के लिए, आलू टिक्की, छोले टिक्की, पालक चाट, पापड़ी चाट, दही बल्ले, दही बताशा, नींबू मटर, और ये अंकल है फेमस यहाँ के, ये ऑनर ही भैया नहीं,
ये ऑनर नहीं है, शेफ है ये, या ये शेफ है ऑनर कौन है? अरे ये अरे नहीं ऑनर ये, यहाँ पे डेजर्ट भी है गाइस, गाजर हलवा भी और ये भी है, काफी चीजें हैं। तो यहाँ पे एक इन्होंने कैफे में एक रूल बना रखा है, एक बेल मतलब आपको एवरेज, दो बेल मतलब गुड, और तीन बेल बजा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगा। तो क्या बजाएगा भाई विपुल? एक एवरेज, दो गुड, तीन वेरी गुड, चार एक्सीलेंट, वाह पांच, वाह 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 वाह, अरे क्या बात है भाई। तो ये मस्ट ट्राई है रॉयल कैफे, सब यहाँ पे वही चीज ट्राई करते हैं, डेजर्ट भी रखते हैं ये, और बढ़िया इनका यहाँ चार्ट का काउंटर है। चलो गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।